कराते रहे जिंदगी भर ट्रांसप्लांट, क्यों? कैंसर की स्मृति रहेगी, कैंसर की स्मृति रहेगी तो बार बार कैंसर होगा, आपको बार बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और इसीलिए बार बार आपको कैंसर सबको होता है, फिर होता है। के चरणों में शत शत नमन। बनाओ, खुश हो बेटा, खुश रहिए। सर मैं कलकत्ता से संजीव शुक्ला, मेरे डीएनए में तीन लोग हैं। सबसे पहले तो सर यही बोलूंगा गुरु जी की अद्भुत अकल्पनीय कभी जो देखा ना सुना ऐसा कुछ यहाँ अनुभव हुआ। ये मैं प्रथम बार ही आया हूँ यहाँ पे, और मुझे जो कष्ट है वो तो सब आपको मालूम है, बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पूरी लिस्ट है, दरबार लिख के रखते हैं आपके कष्ट, जो कष्ट थे जी। अब सब कष्ट चले गए, अब कोई रो कष्ट बचा जी? अभी तो एकदम नहीं लग रहा है कि कोई कष्ट है, सारे कष्ट चले गए जी जी। जैसे अगर कष्ट गिनाए तो डिमेंशिया जी, एक मानसिक समस्या है जी, ये चली गई, और गले में कष्ट रहता था जी जी जी, आपके गले में, ठीक है, लीवर आपके डैमेज हो रहा था, भोजन करने में आपको दिक्कत होती थी, है ना जी जी, कष्ट आते थे, कंपन होता था बॉडी में, शिवरिंग जी, है ना, और पैरालिसिस की स्मृतियां हैं जी जी, है ना। दूसरा क्या होता था कि जो लेफ्ट साइड है बॉडी में कमजोर हो रहा था पार्ट में, जो अब बिल्कुल अच्छा है, नाभि से नीचे हल्का सा शिथिल महसूस करने लगे थे आप, कमजोर महसूस करने लगे, ये सब कुछ चला गया, कुछ बचे नहीं, घुटने उठने सब अच्छे हो गए, जो घुटने कष्ट थे, जो इम्बैलेंस थी बॉडी चलने में वो बैलेंस है, पूरी बॉडी अब आपकी पूरी तरह अच्छी है, और जो एंजाइटी होती थी डीएनए में आपके, वो एंजाइटी पूरे डीएनए से ख़त्म हो गई है, जो घबराहट बेचैनी उलझन कुछ है अब बिल्कुल नहीं, जो रुके काम थे अब आपके तीव्रता से होंगे जी जी जी। गुरु जी बस ये है गुरु जी की बहुत ही गंभीर बीमारी से मैं गुजरा था पिछले 1.5 वर्षों से, उसमें ये सारी चीज़ें भी आती हैं, वो है एक मल्टीपल माइलोमा ब्लड कैंसर का एक, करेक्ट, ये लिखा है, मैंने बोला नहीं आपको डराने के लिए जी, ये लिखा है, और इधर एक एक मिनट देखिए, ये मीडिया देखे सर, ये लिखा हुआ है, केवल बोला नहीं आपको डराने के लिए, लिखा है कैंसर की स्मृतियाँ थी जी, ये नष्ट हो गई जी, ये लिखा है कि कैंसर की स्मृतियाँ थी, लेकिन उनको इसने बोला कि डरे नहीं, बस ठीक हो गए, बात खत्म हो गई, है ना, देख रहे तो यहाँ तो जो दिखता साफ साफ है दरबार, क्योंकि स्मृतियाँ नष्ट माने कैंसर अब खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कट जाएगा। तो गुरु जी ये डॉक्टर ने हमारे कहा है BMT करवाने के लिए, बोन मैरो करवाऊँ कि ना करवाऊँ? देखिए डॉक्टर साहब तो बहुत कुछ कहेंगे, उनका उतना ज्ञान है। आपको लगता है कोई आवश्यकता लग रही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की अब, जैसे आप खड़े हैं जी? नहीं, आपको लग रहा है कोई आवश्यकता है, फील हो रहा है कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है गुरु जी। इसीलिए आपको स्पाइन में कष्ट थे, इसीलिए आप, कोई कष्ट है ना? आगे झुक के जमीन छुई है, आप छुए जमीन? कर लिए, करिए, हाँ कसरत करिए, कोई कष्ट नहीं, फर्स्ट क्लास हो गया, यही स्पाइन अच्छी हो गई, नहीं तो इनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ता। कितना खर्चा आता है बोन मैरो में? करीब 10 से 15 लाख रुपया मिनिमम, इनको कम से कम 15-20 लाख रुपए लगता, तब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता, वो ठीक होने की गारंटी फिर भी नहीं, वो तो रिकरिंग से एक साल बाद फिर से आ सकता है, फिर कराइए, कराते रहिए जिंदगी भर ट्रांसप्लांट, क्यों? कैंसर की स्मृति रहेगी, कैंसर की स्मृति रहेगी तो बार बार कैंसर होगा, आपको बार बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और इसीलिए बार बार आपको कैंसर सबको होता है, फिर होता है, फिर ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर सर्जरी कराते हैं, फिर बोले अच्छे हो गए, फिर तिबारा हो जाता है, बोले फिर अच्छे हो गए, फिर चौथी बार हो जाता है, फिर मर जाते हैं, इलाज करा करा के मर जाते हैं, काम खत्म। हमारी पत्नी हमारे साथ आई हुई, उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए जरा गुरु जी। सब टन है, टन है, खड़ी है, बिल्कुल एकदम टन है, पत्नी भी आपकी अच्छी, बुला लीजिए, जैसे आप अच्छे वैसे पत्नी भी आपकी अच्छी है, आ जाइए बुलाइए। उनको सारे हिप ज्वाइंट में कष्ट थे, घुटने में कष्ट थे, बहुत बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा गुरु जी, आर्थराइटिस था, रोमेटिक आर्थराइटिस भयंकर था, पूरे बॉडी में पेन थे इनको। 11 साल बाद जमीन में बैठे हैं सर,
11 साल बाद आप जमीन में बैठी, जमीन में बैठे हैं, कल हवन किए हैं गुरुजी, एक ही दिन का हवन किया है जी गुरुजी। आप बैठिए जमीन में, देखिए बच्चों की तरह आप बन गई हैं, खड़ी हुई है देखिए, ये बगैर हाथ लगाए खड़ी हो रही है, जो बैठ नहीं सकती थी जमीन में ऐसे खड़ी हो बच्चों की। 11 साल हो गया था जमीन में बैठे, 11 वर्ष हो गया, इसलिए मीडिया यहाँ खड़ा, इसलिए देखना जरूरी, सब लोग संदेश पहुँचाएंगे आपका, हर जगह आपका संदेश चाहिए। गुरुजी आपकी वीडियो देख देख के हम लोगों ने आया, हमारे भाई लेके हम आए, अच्छा उन्होंने 27 परिवार ठीक हो गया वो आपके यहाँ आके, जबरदस्ती बोले कि गुरुजी के यहाँ चलिए तो आप दोनों जन ठीक हो जाओगे। चलिए खुश रहिए, आप कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का? नहीं गुरुजी, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब। मेरे छोटे बहू के जो है बहू के बच्चा नहीं है गुरुजी, अच्छा डीएनए में 3 लोग हैं, हम बच्चे हैं आपके, हमारे नहीं बच्चे नहीं, उसके थोड़ा ओवरी में प्रॉब्लम है जी गुरुजी, बहू बहू की जी गुरुजी ओवरी में प्रॉब्लम है, केवल अंडे अंडे बनते नहीं ठीक से, डॉक्टर को दिखाया कभी? जी गुरुजी। क्या बताया डॉक्टर ने? 3 बार वो हुआ लेकिन बच्चा नहीं बनेगा क्योंकि अंडे नहीं बनते हैं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, बिल्कुल बनेंगे, बच्चा होगा, बिल्कुल होंगे, संतान होगी, संतान योग है, संकल्प करा देना, एक बार मिला देना बच्चे, मिल जाए। यहाँ पे नहीं है गुरुजी, अमेरिका में है। हाँ तो वहाँ बोलो संकल्प करें, शनिवार वाला संकल्प जी गुरु वो कर ले और वीडियो कॉल हमसे बात कर लेंगे जी गुरु, ठीक है जी गुरु, बिल्कुल संतान योग है, पूरी तरह खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो।